हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी का रेलवे। मैं हूं राहुल। आज हम लोग बायोलॉजी के एक बहुत ही बेसिक टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है कोशिका। फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमें केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक इन्हें याद करना पड़ता है और मैथ पढ़ने के लिए हमें फार्मूले याद करने पड़ते हैं, उसी प्रकार से बायोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक जिसका नाम है कोशिका। क्योंकि पूरी दुनिया भर में सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बना है, तो आइए कोशिका की डिफिनेशन देखते हैं। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब होता है जिससे जीवधारी की संरचना बनी है, और कार्यात्मक मीन्स होता है जिसमें सारी क्रियाएं संपन्न हो रही है। आधारभूत मीन्स होता है मेरा आधार, यानी कि बॉडी का आधार। जिस तरीके से घर में जो पिलर होते हैं वो आधार माने जाते हैं, उसी तरीके से जीवधारी में जो है कोशिकाएं आधार होती हैं। और रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, और यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा। फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट तथ्य है मैंने उनको जो है अंडरलाइन कर दिया है रेड से। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, इसके जस्ट 9 साल बाद, प्लस 9 साल बाद 9514, यानी कि एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की। और कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होता है, इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में की। इसके बाद फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्लाइडेन एवं स्वान का नाम आता है। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार संसार में सभी जीवों का शरीर एक या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और कोशा जीव के शरीर में कार्य की मूलभूत इकाई होती है, और जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती हैं, और सभी नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। फ्रेंड्स, जब हम लोग छोटे थे, छोटे छोटे, आज हम लोग इतने बड़े हो गए हैं। कैसे बड़े हो गए? क्योंकि हमारी कोशिकाएं आपस में विभाजन करती हैं। विभाजन करने से जो है कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। जाहिर सी बात है, जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी हम तो जो है हमारी वृद्धि होगी। क्लियर है? देखते हैं कोशिकाओं के समूह से। जब कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनते हैं, द ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड द टिश्यू। कोशिकाओं के समूह से ऊतक तैयार होते हैं। जब ऊतकों का समूह होता है तो उससे अंग बनते हैं। अंग से अंग तंत्र बनते हैं। अंग तंत्र से किसी भी जीवधारी का शरीर बनता है। अंग जैसे हार्ट, किडनी, लीवर एक अंग है, और जब बहुत सारे अंग आपस में मिलकर सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं तब हम उसे अंग तंत्र कहते हैं। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र। कैसे? देखो, पाचन तंत्र में हमारा माउथ, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, बहुत सारे अंग आपस में मिलकर काम करें ना, इसलिए इसको तंत्र की श्रेणी में रखते हैं। इसको और आसान तरीके से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई कमरा बन रहा है, कोई घर तैयार हो रहा है, जो उसमें ईंट होती है, ईंटों को हम लोग मान लेते हैं, ईंटों को हम लोग मान लेते हैं कोशिका, और ईंटों से एक साइड की जब दीवार तैयार हो जाती है उसको मान लेते हैं ऊतक, और दीवार जब चारों साइड से बन जाती है तो उसको हम अंग मान लेते हैं, और जब इसके बाद उसके ऊपर लिंटर पड़ गया, दरवाजे लग गए, सब कुछ रेडी हो गया, अंग तंत्र हो गया, और उसकी सारी मेंटेनेंस मेंटेन होने के बाद जब उसका सारा मेंटेनेंस हो जाता है तो शरीर बनता है, किसी भी जीवधारी का शरीर बनता है। और कोशिकाएं टाइप्स ऑफ सेल, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, यहां से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती है जिसमें केंद्रक, केंद्रक कला तथा सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं।
जबकि इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जीवाणु, नीली हरी सवाल और ये सब जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। और यूकैरियोटिक कोश क्या किसे कहते हैं, आइए बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिकाएं ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक का विकास होता है और केंद्रक कला का विकास होता है। सुविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। जैसे जैसे प्लांट और एनिमल, अगर कह सकते हैं जीवाणु, नीली हरी शैवाल और विषाणु, इनको छोड़ दिया जाए तो संसार में जितने भी जीवधारी हैं सभी यूकैरियोटिक में ही आते हैं। और इसको हम लोग दो और भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक प्लांट पढ़ेंगे एक एनिमल पढ़ेंगे। सीधा सीधा बात है, अगर प्लांट और एनिमल में अंतर की बात आए तो कैसे बताएंगे। पौधे अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं इसलिए स्वपोषी होते हैं। कैसे अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं, क्योंकि इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल। तो इसके आधार पर जो है बांटा जा सकता है कि पौधों में क्लोरोफिल होता है, जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं होता है। और पौधों में सिलवाल पाई जाती है और एनिमल में सिलवाल नहीं पाई जाती है। आइए बात कर लेते हैं कोशिका की संरचना के बारे में। कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना बहुत ही जटिल होती है। इसको जो है मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा है जीवद्रव्य, तीसरा है रिक्तिका। कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य, रिक्तिका। अब यहाँ बायोलॉजी, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसको मैंने यहाँ लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं कि मानव में सबसे बड़ी सेल का नाम है तंत्रिका कोशिका और शुतुरमुर्ग चिड़िया का अंडा सबसे भारी एवं बड़ी कोशिका है। अगर मानव की बात होगी तो तंत्रिका कोशिका और शुतुरमुर्ग चिड़िया का अगर अंडे की बात होगी तो सबसे भारी और एवं बड़ी कोशिका की बात हो रही है। क्लियर, चलो। और इसके बाद कोशिका भित्ति को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और वहां सभी कोशिकांगों को डिस्कस करेंगे।